हमारे स्कूल के स्टाफ में है 40 टीचर सर 41 हमारे स्कूल के स्टाफ में है 41 टीचर। हमने यहाँ बुलाया केवल 4 लोगों को, काहे बता सकता कोई? अब आप ही बुलाए हो तो आप ही जानो हम लोग का क्या पता। नहीं पता तो चुप्पे बैठो। अरे पगले होगा बिल्कुल, सामने प्रिंसिपल बैठा है, चिल्ला रहा है, कोई फर्क है नहीं है, हंस रहे और तुम हमारे सामने यार बोला ही ना करो, तुम्हारे मुंह से आती बदबू। हाँ बड़ी तेज। रुमाल लगा के बैठा करो, बता दिया। हाँ तो हम कह रहे थे हमने यहाँ तुम लोगों को क्यों बुलाया है। तो सुनो, हमने यहाँ इसलिए बुलाया है। सर जी। हाँ एक बात पूछनी है। बोलो। आपने हम लोग को यहाँ बुलाया काहे के लिए? बता रहे हैं काहे मारे जा रहे हो, बैठो। बच्चों की लगातार शिकायतें आ रही हैं आप लोग के खिलाफ, इसलिए बुलाया है। अच्छा अच्छा नहीं, एक शिकायत ये है कि टीचर क्लास में आते हैं सोते हैं। अरे राम राम, यहाँ आपकी बात की जा रही मिश्रा जी। क्या बक रहे हैं सर? बक नहीं, मेरा मतलब क्या कह रहे हैं सर? नहीं बक है बक। अरे नहीं सर, हम जगते तो हैं क्लास में। नहीं बिल्कुल जगते हैं, जगते तो हैं है, लेकिन जब घंटी बजती तब जगते हैं। घंटी बजेगी तो दूसरी क्लास में जाएंगे, वहां फिर सोएंगे हैं? अरे नहीं सर। क्या नहीं, यही सच है। सही कह रहे हैं, हमारा पीरियड जो है इनके पीरियड के बाद आता है, तो कभी कभी हमको भी जगाना पड़ता है, सोए रहते हैं, कहते चलो भैया जाओ घंटी बज गई, जाओ अब दूसरे पीरियड में दूसरी क्लास में सो जाके, यहाँ से हटो। फिर अंगाते अंगाते उठते, और फिर जो है कभी कभी तो एक बार तो या तो तुम हंस लो या तो बोल लो। नहीं एक बार तो ये जो है उंगाते उंगाते उठे और जीने से चढ़ने लगे, तो जीने पे गिर गए धड़ाम से। सारी नींद निकल गई होगी फिर तो। हेयर्स कहाँ है? हेयर्स कहाँ है? हेयर्स ये आइस कहाँ है? ये टीथ कहाँ है? ये सब गलत बता रहे हैं आप। इंग्लिश के टीचर हैं, आपको इंग्लिश नहीं आती? बॉडी पार्ट्स तक नहीं आते आपको? आता क्या है आपको? हसना। और तुम, पता चला है तुम केवल आगे वाली सीट के बच्चों को पढ़ाते हो। नहीं तो सर। अच्छा तो हम झूठ बोल रहे हैं? मतलब यार हमको ये नहीं समझ में आता है कि सिर्फ आगे वाले बच्चों को पढ़ाने क्या मतलब? मतलब बच्चे शिकायत कर रहे हैं, पीछे वाले बच्चों से कोई मतलब नहीं, सिर्फ आगे वाले बच्चों को पढ़ाते हैं और चले जाते हैं, हैं? अरे इनकी हाइट कम है ना, तो ये पीछे वाले बच्चों को दिखाई नहीं पड़ते, आगे ही आगे पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। अरे यार कितनी हाइट छोटी, खड़े हो जरा देखें कितनी हाइट छोटी। खड़े है तो है। तुम खड़े हो? मतलब तुम तब से खड़े हो? हाँ वो जब बैठते हैं तो खोपड़ी मेज में लड़ती है। देखो ऐसा है, तुम सीट पे खड़े होके, कुर्सी पे खड़े होके, टेबल पे खड़े होके पढ़ाओ, लेकिन सबको पढ़ाओ। सर कर चुके हैं ये काम, लेकिन सर बच्चे हंसने लगते हैं फिर। तो आप एक काम कीजिए, अपने पैरों के नीचे तो बांस बंधवा लीजिए।